केंद्र सरकार द्वारा शनिवार को पेट्रोल के दाम में 9.50 रुपए, डीजल में 7 रुपए एवं उज्ज्वला गैस में 200 रुपए कम करने की घोषणा कर देशवासियों को महंगाई से कुछ राहत प्रदान करने का प्रयास किया गया है। केंद्र सरकार के निर्णय को ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी केएस चौहान ने कहा कि भाजपा का हर निर्णय भारत देश के लिए होता है, देश की उन्नति के लिए होता है, देश की जनता की समृद्धि के लिए होता है। केएस चौहान ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि राज्य सरकार जो 23% वैट ले रही है उसे थोड़ा कम कर प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाए। दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी केएस चौहान, जिला महामंत्री रटवर ताम्रकार, बुजुर्ग की पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार कुछ इस तरह व्यक्त किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज देश हित के लिए पेट्रोल के कीमत में 9.5 रुपया कम किए, डीजल के कीमत में 7 रुपया कम किए एवं रसोई गैस में 200 रुपया सब्सिडी प्रदान किए। मैं इस पुनीत कार्य के लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद मोदी जी, आपने जो देश हित में अहम निर्णय लिया, देश की जनता को एक राहत पहुंचाने का कार्य किया, 200 रुपये सिलेंडर में, 9.5 रुपये पेट्रोल और 7 रुपये डीजल में जो आपने एक्साइज ड्यूटी घटाया है, निश्चित तौर पे देश के लोगों को एक राहत आपने दिया है। आप ने जो पिछले साल 125 करोड़ देशवासियों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन आपने जो लगवाया और एक साल के अंदर में आपने एक अहम निर्णय देश हित पे लिया, पूरे दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसलिए हम सबको गर्व के साथ कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अभी जब पूरे विश्व में तेल की और दूसरी और कीमतें बढ़ रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय बहुत ज्यादा किल्लत है, हम देख ही रहे हैं कि क्या क्या श्रीलंका में हो रहा है और दूसरे देशों में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, बहुत क्राइसिस में। आज महंगे तेल की महंगाई की बात नहीं है, तेल उपलब्धता ही नहीं हो रही है। और इस समय अपनी विदेश नीति, अपनी कुशल विदेश नीति के जरिए आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 9.5 रुपए पेट्रोल में, 7 रुपए डीजल में और 200 रुपए घरेलू गैस में जो कम किया है वो अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय है। ये होती है विदेश नीति और इस विदेश नीति के अनुसार वो इतनी ज्यादा राहत पहुंचा चुके हैं पूरे भारतवासियों को। और भारतीय जनता पार्टी का हर निर्णय अपने भारत के लिए होता है, अपने देश की उन्नति के लिए होता है और अपने देश की जनता के समृद्धि के लिए होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब राज्य सरकार की बारी है कि राज्य सरकार भी जिसमें वैट अपना 23% लगा रही है उसमें वो थोड़ा कम करे और छत्तीसगढ़ वासियों को और ज्यादा राहत पहुंचाने की कोशिश करे।